समाजवादियों का इतिहास नहीं पता है। नहीं वो नहीं मालूम होगा, आप बता दीजिएगा समय आने पे। मेरा नहीं पता है समाज। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा बनाने का काम किया था इसमें, और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये नकली समाजवादी है, ये ठोंगी समाजवादी है, ये ठोंगी समाजवादी है। शेपर आए आप बैठ जाइए प्लीज सर। चलिए मैंने उनको बिठा दिया, आप लोग चलिए। मैंने उनको बिठा दिया, मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लिया कि वो बैठ गए। अब आप चलो, चलिए अब आप वापस आ जाओ। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट कर लिया, वो बैठ गए। मैं उनसे निवेदन किया, वो बैठ गए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, वो बैठे। संदीप जी चलिए आप आइए, आइए आइए। उनसे भी रिक्वेस्ट करी, वो भी बैठ गए। चलिए संदीप हो गया, आपके नंबर बढ़ गए। अब होगा उनसे भी बात कर। देखिए अब आप हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अब ये नियम 51 की सूचना दीजिए। चलिए नियम 51 की सूचना ले लेते हैं। एक सेकेंड बुलाओ, कार्सुकी लगी। मत संख्या 3 से राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा में ले रहा हूं। माननीय नेता कांग्रेस से चाहता हूं कि अपनी बात कहें। राज्यपाल के अभिभाषण नियम 56 के बाकी दूसरी सूचना श्री राजीव वर्मा, श्री राम अचल राजभर, ये लोग आप बोलने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं बोलने के लिए? अपने लोगों से कहिए सीट पर जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने लोगों से कहिए कि सीट पर जाएं। अगर वो सीट पर नहीं जाएंगे तो मेरे को राज्यपाल के श्री अभिभाषण के ऊपर चर्चा आगे बढ़ानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि श्री राज्यपाल के ऊपर चर्चा आज जारी रहेगी। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के सम्मानित सदस्यगण अपने क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर, उसके ऊपर बोलना चाहते हैं। आप अगर विधानसभा की कार्रवाई इस प्रकार से बाधित करेंगे तो विधानसभा के सारे 403 माननीय सदस्यों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे, उसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि कार्रवाई आगे बढ़े, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी ने जो कहा, मैंने उनसे बोला है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें, वो मेरे निवेदन के ऊपर वहां पर बैठ गए। अब मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर आप नहीं बैठना चाहते तो फिर मुझे कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं माननीय सदस्य जो अपने सीट पर बैठे हुए हैं, ये श्री जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, वो श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपना लिखित व्याख्यान दे देंगे, उसको मैं कार्यसूची में सम्मिलित कर लूंगा, तो आपका भाषण पूरा हो जाएगा। तो जो माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी सीट पर चले और अपनी बात कहें। अगर वो अपनी बात नहीं कहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी दे दूंगा,
माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को मैं कोई हाउस एक्शन नहीं करूंगा, बाहर कराइए, इसके ऊपर भी नहीं करूंगा। मैं आज इस कार्रवाई को आगे बढ़ाकर आपको जो माननीय सदस्य से बोलना चाहते हैं, आपको यह अधिकार होगा इस बात को बताने के लिए कि किसके कारण आप नहीं बोल पाए। मैं ये नहीं, कल मैंने इस बात का अवसर दे दिया था, मैं अवसर नहीं दूंगा किसी भी प्रकार से। मैं जब तक यहाँ पर बैठा हूँ मैं हाउस को अच्छी तरीके से चलाने का प्रयास करूंगा। मेरा फिर आपसे निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जाएं, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जाएं, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जाएं, नहीं तो श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा में अभी यहाँ पर समाप्त कर दूंगा और आपको अवसर नहीं मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप जाएं, आप आपस में विचार विमर्श कर लें। अगर आप नहीं चर्चा करना चाहते तो मैं हाउस को आगे बढ़ाऊंगा, मैं हाउस को स्थगित नहीं करूंगा। चलिए चलिए, देख साहब चलिए, देख साहब चलिए, देख साहब चलिए, आप लोग बैठिए। गलत बात नहीं, आप बैठे, विवेकानंद जी, विवेकानंद जी आप बैठिए। अगर मैं उधर कोई बात कह रहा हूं तो आपके ऊपर भी लागू होती है, आपको भी कह रहा हूं उधर भी लागू होती है, सारे सदस्यों के ऊपर वो बात लागू होती है।